फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन होस्ट पर। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि बैड वर्ड्स आ जाते हैं, गालियाँ आ जाती हैं, जिसमें एक बीप बजती है। तो उस बीप को हम कैसे अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं और उसको लगाते कैसे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं आपके लिए। और स्पेशली ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब पर काम करते हैं या और किसी फिल्म एनिमेशन पर काम करते हैं या किसी और चीज़ पर काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इसको कैसे करना है। लेट्स गो। वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और बताते हैं कि इसको हमें कैसे करना है। सर सबसे पहले काइनमास्टर ओपन करना है। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है, यहाँ पर एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बिना वाटरमार्क वाला काइनमास्टर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिना वाटरमार्क वाला काइनमास्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेशो लेंगे, ठीक है। रेशो लेने के बाद यहाँ पर हम मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक करने के बाद हम वो वीडियो लेंगे। मान लीजिए ये वीडियो में ऐसे वर्ड्स यूज हुए हैं, मान लीजिए, वैसे तो मेरा खुद का ही वीडियो है। ओके, पहले इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो फ्रेंड्स मान लीजिए ये वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं। मान लीजिए ऐसा है नहीं, बट आप मान लीजिए कि इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं जो नहीं सुन, मतलब जो सेंसर्ड हो इस तरीके से, ठीक है, जिन्हें सेंसर्ड किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ उसको आपको कैसे करना है, ठीक है। बट उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको एक बीप वाला साउंड जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसका डाउनलोडिंग लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर बताते हैं कि इसको करना कैसे। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा आपको। वीडियो थोड़ा ही ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ हमारे और आपके अपने YouTube चैनल इंडियन होस्ट पर। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपने एक वीडियो, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चार सेकंड हुए तो यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड आया जो कि नहीं बोलना चाहिए था। तो मान लीजिए, तो यहाँ पर हम वीडियो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, स्प्लिट एट प्ले अहेड, उस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद चौथे सेकंड से जो है वो बैड वर्ड जो है वो स्टार्ट हुआ, मान लीजिए, और वो बैड वर्ड जो है वो तीन चार सेकंड तक चलता रहा। जैसे मान लीजिए सातवें सेकंड तक, यानी कि सेवन सेकंड तक वो बैड वर्ड चालू रहा। तो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ, या मान लीजिए 2 सेकंड तक चालू रहा, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो बैड वर्ड यूज़ हुआ वीडियो में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंची वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करेंगे, उसके बाद स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे, जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ऑडियो है, मान लीजिए इसमें कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ जो कि यूज़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और ये भी ऐसी है, ठीक है। और जो बीच में जो है, बीच में कुछ वर्ड ऐसा यूज़ हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बीप लगानी होती है। तो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप बीप वाला साउंड डाउनलोड कर लें गूगल से, नहीं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑडियो पर क्लिक करना है। ऑडियो पर क्लिक करने के बाद आपको वो साउंड लेना है जो आपने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अभी ले लेता हूँ। ओके, तो मान लीजिए ये हमने साउंड लिया, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ से इस तरीके से ऐड करना होगा। उसके बाद हम यहाँ से इस साउंड को इस तरह से, इस पर क्लिक करने के बाद, ट्रिम पर क्लिक करने के बाद, ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से हमें कर देना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो का जो साउंड होगा, ठीक है, इस वीडियो का जो साउंड होगा उसको आपको
बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। वीडियो का साउंड आप ध्यान रखिएगा, वीडियो को बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, वीडियो का साउंड ओपन रहने देते हैं जिससे कि बीप भी बजती है और वो साउंड भी चलता रहता है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, वीडियो के साउंड को आपको ज़ीरो करना है। इससे मतलब नहीं, इसको ज़ीरो मत कर देना भाई, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये आपने जो बीप ऐड करी है नीचे ग्रीन वाली, आपको बीप लिखा हुआ दिख रहा होगा साउंड, उसका वॉल्यूम है, उसको आपको फुली रखना है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पर ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने अभी इसको एडजस्ट कर दिया है, तो अभी मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, हमारे और आपके YouTube चैनल इंडियन फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप देखो कि पेड़ बर्ड्स आ जाते हैं, गाली आ जाती है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने मैंने किस तरह से बीप लगाई अपनी वीडियो में। वैसे मैं और वीडियो भी ले सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि किसी और का वीडियो नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने अपना खुद का वीडियो लिया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना वीडियो लिया है, ठीक है, आपको मेथड समझाने के लिए कि कैसे करना है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको प्ले करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ओके। और आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने किसी भी वीडियो में, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक यूट्यूबर नहीं भी हैं, तो आप किस तरीके से बीप लगा सकते हैं बैड वर्ड्स के बीच में। आपको बैड वर्ड्स नहीं सुनाना है, अपनी वीडियो में नहीं दिखाना है, तो आप इस तरीके से बीप साउंड ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में, वीडियो को कटवर्ट करके, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आप सिंपली बहुत ही आसानी तरीके से काइनमास्टर से या किसी भी वीडियो एडिटर से आप कर सकते हो। देखिए, मेथड सेम है बिल्कुल, ठीक है, आप किसी भी उससे कर सकते हो, किसी भी जो भी आपके पास काइनमास्टर है, पावर डायरेक्टर है, फिल्मोरा है, जो भी है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। और काइनमास्टर का बंडल वर्जन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं बिना वाटरमार्क वाला, ठीक है। बाकी बीप वाला मैंने दे रखा है, बीप अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको बीप का भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद नहीं आया, नहीं समझ में आया हो तो डिसलाइक करने के बाद आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हो जाएं तो आप वीडियो दोबारा से लाइक कर सकते हैं। तो आप बेझिझक कमेंट करिए, आप मैं आपके हर कमेंट का एक घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई करूंगा। तो यहां तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।